लोग बात कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल होता है वो उसमें अध्यापक जो होते हैं वो बहुत ही बेकार पढ़ाते हैं, बहुत ही बेकार सुविधाएं देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक बार यहाँ आएँ और यहाँ के बच्चों की ड्रेस सेंस लुक को देखें, उनके एजुकेशन को देखें और यहाँ के टीचर के व्यवहार को देखें और उसको ही देखते देखते यहाँ हर एक सुविधा को देखें और साफ़ सफाई को देखें तो बहुत ही बेटर है। मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि हम उस चीज़ को यूज़ करें और उस चीज़ का यूज़ करते करते एक अपने अच्छे काम में लें। तो देखिए दोस्तों, सूरज निकल चुका है और मौसम में काफ़ी अच्छा बदलाव आ चुका है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके का है। ये देखो, हरामी है हमारे दोस्त, अभी भी सोए हुए हैं। अरे देखो भाई यार, मौसम अब साफ हुआ है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगा मुझे यार यहाँ लेट के घास में, और धूप आ रही है यहाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में यार। देखो, इनका कहना है कि मैं घास में इसलिए लौटा हूँ कि इनके खून का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है बारिश पड़ने की वजह से। समझ लो भाई, ऐसा समझ लो। तो तुम देख सकते हो दोस्तों, हम अपने गांव के एक स्कूल की जो घास है ये उससे लेटे हुए थे, इसमें जो घास को डेकोरेट किया गया आप देख सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे सरकारी स्कूल को डेकोरेट किया हुआ है। तो मानिए, एक प्राइवेट स्कूल भी फेल है इसके आगे। देखो क्या लिखा है, आज का विज्ञान कल की तरक्की है, क्या बात कह दी छोटी सी लाइन ने। तो दोस्तों आप देखिए, स्कूल एकदम साफ सुथरा और कितना अच्छा है। और ये देखिए अपने थोड़े से मुस्कुराते हुए हानिकारक फ्रेंड। अरे नहीं यार, ये पहन लिया था, अब क्या करें, टी-शर्ट मिल गया आज ये। और तो अब आपका सर्कुलेशन खून का कैसा हो चुका है हानिकारक? सर्कुलेशन कुछ नहीं है मेरे ब्रदर, बात ये है कि जो ये दो चार दिन से घर में पड़े पड़े यार थोड़ा बोर से हो गए। हाँ, ये बात हकीकत है कि जो शरीर का सर्कुलेशन था वो बेकार हो चुका था, यानी कि शरीर उस तरीके से काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जिस तरीके से उसे करना चाहिए। पर हाँ, जैसे ही धूप निकली और वो ठंड वाला गया, अब मतलब ठंड तो आ ही रही है पास में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उस मौसम की वजह से काफ़ी असर पड़ा। आप देख सकते हैं, अगर धूप ना निकले तो हम कहाँ से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे भाई। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा और सुहाना मौसम हो रहा है। देखिए, इससे पेड़ों को कितनी अच्छी एनर्जी मिल रही है। देखो इनके रंग रूप, देखिए आप पेड़ों के कितने ज़्यादा खिले विले हैं। देखिए एकदम कतई खिल रहे हैं बारिश। तो दोस्तों अब देखिए, ये थे बड़े पेड़ और हम आपको दिखाते हैं छोटे छोटे पौधे जो इस स्कूल की खूबसूरती को दर्शाते हैं। अरे बिल्कुल सर, देखिए। तो देखिए, ये है एक कनेर का पेड़। तो दोस्तों, ये कनेर का पेड़ है और इस पेड़ के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप अगर ऐसे किसी प्लास्टिक के उसमें लगाएं, देखिए इन्होंने छेद तो कर रखा है लेकिन छेद ऐसी जगह किया है जहाँ से पानी रुक सकता है। यहाँ देखिए, पानी रुक गया है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है, पानी रुक गया है। अगर ये नीचे छेद करते तो पानी जो था वो नीचे की ओर से बह जाता। अब इन्होंने यहाँ किया है, यहाँ एकदम गलत छेद है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप करें जैसा हम बता रहे हैं आप करें, लेकिन जो गमलों में छेद आप देखोगे वो नीचे की साइड में रहेगा, तो इसलिए उस चीज़ को देख कर चलें और ऐसे ही ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि पेड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसमें, क्योंकि ऊपर जो ना जिस स्कूल का प्रिंसिपल है भाई, हमारे ऊपर केस गिर देगा। अरे नहीं नहीं, देखिए ये एक सिखाने की बात है, सीखने की बात है। अच्छा चलो बताओ, आपने तो बोल दिया कि प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर छेद करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, सीमेंट से बने हुए हैं ये गमले, इनके अंदर छेद होता है क्या ऑलरेडी पहले से? हाँ हाँ, इनके अंदर देखिए आप देख सकते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा है, मैं इसे उठा नहीं सकता, लेकिन आप आगे की ओर आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा आप कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जो है हमें डांटेंगे वो करेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई किसी को कुछ बता रहा है, कुछ नया सिखा रहा है, तो वो भी इतना जानते हैं, वो इतना एजुकेटेड है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे और समझदार और जिसे कहते हैं एक बढ़िया अध्यापक भी हैं। तो उसके चलते चलते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ डेकोरेशन भी करवाया है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी उस वीडियो में बताया उसी अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ।
अब जैसे कि मैंने उस गमले के बारे में बताया और आकाश भाई पूछ रहे थे कि क्या ऐसा भी गमला होता है, ये जो सीमेंटेड बने आते हैं क्या इनके अंदर भी छेद होता है? आप अगर देखेंगे इन्हों उठा के तो इनके नीचे क्या है, देखिए इसमें तो पेड़ है, थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, हम इसे उठाएंगे। आप इस गमले को उठाकर अगर देखेंगे इधर से तो इनके अंदर नीचे यहाँ छेद मिलता है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ एक होल है जिससे कि पानी जो है वो निकलता रहता है और रुकेगा नहीं, यानी कि वो जड़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन वो अगर आप ऊपर ही कर दोगे तो ऊपर से क्या है कि वो पानी रुखा रह जाएगा आपके नीचे तलवे में, तो तलवे से तो वो बाहर जा ही नहीं रहा है, इससे उसकी जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वो सांस लेने के लिए, जड़ों को सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसमें छेद करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के सामने बहुत ही ज़्यादा शानदार पेंटिंग जो आपने बचपन में सभी ने पढ़ी होगी। तो देखिए ये है एक कौवे वाली स्टोरी, तो आप देख रहे हैं कौवे ने किस तरीके से मेहनत की थी पानी पीने के लिए, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल के कौवे कुछ ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, और पेंटिंग के साथ साथ आप बताना कि हमारे गांव का जो स्कूल है वो कैसा है और आपको किस हद तक वो अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो आप सभी को वो 100% अच्छा लगा होगा। और ये देखिए एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार पेंटिंग, देखिए शायद ही आपने कहीं देखी होगी, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं दो पंछी जो हैं कबूतर और कबूतरी। तो देखिए वो शर्मा गए शायद हमारे कैमरे को देखकर, एक तो पल्ली तरफ की चले गए हैं। तो देखिए ये बालक का अलग है और बालिका का अलग है। तो देखिए और देखिए सूरज कितना अच्छा लग रहा है ऐसे चमकता हुआ। तो दोस्तों आपने देखा इधर काफ़ी सारी ज़्यादा पेंटिंग अच्छी अच्छी बनी हुई है। आप देखिए उधर वो पेंटिंग बनी हुई है जो पहले 500 के पुराने नोट पर आया करती थी, जिस पर गांधी जी या हमारे बापू जी दांडी यात्रा के लिए निकले थे। वो पेंटिंग आज देखिए आप खुद कुछ लोग भूल गए होंगे कि पहले 500 के नोट पर कैसी पेंटिंग आती थी। तो देखिए वो ये पेंटिंग है जो पहले 500 के नोट पर आती थी, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखिए इस बात का इस स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पालन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे छोटे से स्कूल के अंदर एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है, जो मतलब स्कूल के सभी छात्र छात्राएं एवं अध्यापकों को पीने योग्य पानी पदार्थ प्राप्त करता है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि ये एक वाटर कूलर है, ये वाटर कूलर के साथ साथ वाटर फिल्टर भी है। ये क्या करता है कि अगर मानो इस टंकी में गलती से भी कुछ पानी ऐसा चला जाए, वैसे समर लग रहा है यहाँ, समर से अगर पानी जाता है इसमें तो ये उस पानी को फिल्टर करता है। उधर आप देखिए ब्लू वाले बॉक्स जो है, ये पानी, इसमें जो पानी आता है उस समर की वजह से आता है, और उस समर से इस टंकी में जाता है, और ये टंकी इसको फिल्टर करने के लिए देती है, और जब इसमें से पानी फिल्टर हो जाता है तो इस फ्रीज में जाता है जमने के लिए, जिससे कि वो ठंडा भी रहे। हाँ, और दूसरी चीज़ ये हमें दो टाइप का पानी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक तो ठंडा हो गया और एक हो गया आपका गर्म, यानी कि यहाँ बच्चों के लिए हर एक तरीके की सुविधाएँ की गई हैं, हर मौसम को देखकर, हर पहलू को देखकर, और हर शिक्षा के हर एक अधिकार को देखकर अगर देखा जाए तो यहाँ हर एक तरीके का वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, जो कि एक बच्चे के लिए होना चाहिए वो है और वही रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर कोई अध्यापक भी देख रहा है तो वो भी अपने स्कूल में इस चीज़ का पालन ज़रूर करें, क्योंकि हमारे गाँव के जो टीचर हैं वो इसमें और भी ज़्यादा अपडेट लाने की कोशिश करते रहते हैं, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी ये कोशिश ने आज इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाया है कि शायद गांव वालों ने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना है कि आज बच्चों को शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को भी लेकर, यही नहीं है कि पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य को भी लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ हर एक चीज़ का पालन किया जाता है। आइए मैं आपको बताऊँ तो ये एक सरकारी स्कूल तो है, लेकिन यहाँ खाना वगैरह जो बनता है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, आइटम्स को यूज़ करके बनाया रहता है। अगर देखा जाए तो यहाँ का सारा नेचर, और आप देखिए स्कूल कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे भी एक भी आपको पिन्नी नहीं नज़र आएगी। हाँ लेकिन यहाँ जो है पिन्नी वगैरह तो नहीं है,
लेकिन जो धूल होती है वो थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है, वो तो आप नॉर्मली जानते हैं, लेकिन साफ सफाई यहाँ डेली होती है भाई। अगर यहाँ की साफ सफाई को लेकर बात की जाए तो यहाँ की साफ सफाई, इस स्कूल की साफ सफाई और बच्चों की नीट एंड क्लीन ड्रेस को देखोगे तो आपको हाँ लगेगा कि यही एक स्कूल है। देखिए लोग बात कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल होता है वो उसमें अध्यापक जो होते हैं वो बहुत ही बेकार पढ़ाते हैं, बहुत ही बेकार सुविधाएं देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक बार यहाँ आएँ और यहाँ के बच्चों की ड्रेस सेंस लुक को देखें, उनके एजुकेशन को देखें और यहाँ के टीचर के व्यवहार को देखें, और उसको ही देखते देखते यहाँ हर एक सुविधा को देखें और साफ सफाई को देखें तो बहुत ही बेटर है। मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि हम उस चीज़ को यूज़ करें और उस चीज़ का यूज़ करते करते एक अपने अच्छे काम में लें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई और बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा विचार लिखा हुआ है, चलो चलें स्कूल चलें। तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी बात लिख दी है एक राइटर ने। और देखिए ये एक पेंटिंग बनी हुई है, इसमें तीन कार्टून है, ये छोटा भीम है और इधर राजू और इधर चुटकी। तो देखिए दोस्तों ये पेंटिंग जो बनी हुई है इसका मतलब है कि बच्चे जो है ना अपने घर पर टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं, और जब वो टीवी देखते हैं तो उस टीवी के अंदर, उस टीवी को देखने से बच्चों के अंदर का जो दिमाग है वो डेवलपमेंट होता है। तो उस डेवलपमेंट से बच्चा देखता है कि कार्टून खुद स्कूल जा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी पेंटिंग यहाँ पर बना दी गई है। तो देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग है, इसे देखने के बाद बच्चों के अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है जिससे वो स्कूल की तरफ भाग के जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पेंटिंग इसी हिसाब से बनाई गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, तो इसी हिसाब से इसी स्कूल के बच्चे आते हैं भाग भाग कर इस स्कूल में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादातर सरकारी स्कूल में ही भेजें, क्योंकि सरकारी स्कूल बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरीके से बनी गई है, ये एक 5वीं क्लास की कक्षा है। तो देखिए कक्षा 5 लिखा हुआ है और इधर मंथ्स नेम लिखे हुए हैं और इधर डे कौन कौन से डे कौन से दिन आते हैं, तो देखिए ये लिखा हुआ है सारा। और इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जल आज बचाओ कल के लिए। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा विचार लिखा हुआ है, और इधर देखिए ये पेंटिंग कितनी अच्छी है देखिए। तो दोस्तों इसी के माध्यम से हम आज की वीडियो आप समाप्त करते हैं, और कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं आप सभी से। तो सॉरी अगर जो हमने कोई गलती की हो तो आप हमें माफ़ कर देना। थैंक यू।